हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोस्त वन यू वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ में। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज हमने अभी आज के दिन आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरे जगह जगह सब जगह पे मतलब झंडा रैली भी निकाली गई, बहुत सारे प्रोग्राम हुए। तो आज भी उसी की तरह आज मेन दिन है जो आज 15 अगस्त का, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। कि हम अगर हो सका तो अगर मौसम सही रहा तो हम लोग स्कूल्स में जाएंगे, प्रोग्राम देखेंगे। और प्रोग्राम कैसे होते हैं यहाँ पे, मतलब पूरे पहाड़ी गाने होते हैं, देशभक्ति गाने, ड्रामा, स्पीच और बहुत सारे जो गेस्ट आते हैं स्कूल में वो लोग अपनी स्पीचेस देते हैं। आज के दिन हो सके तो अगर मौसम सही रहा तो फिर चलेंगे वहाँ। और वहाँ पीछे जो है पीछे से गाने की आवाज़ आ रही है और सामने इंटर कॉलेज से जो है वो जय जय भारत माता की जय की आवाज़ आ रही है। तो फिर देर नहीं करते, पल्ला हमारे जाने तक वहाँ प्रभात फेरी निकल ले और हम लोग पीछे रह जाए। तो इससे पहले कि सारा काम निपटाते हैं, थोड़ा बहुत और काम रह गया, फटाफट निपटाते हैं और चलते हैं और दिखाऊंगी आप सबको मैं सारी की सारी आज कैसे हम लोगों ने अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, कैसे हमने अपने आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में भारत माता की जय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइस वी आर लिटिल लेट, मतलब प्रभात फेरी जो है वो निकल चुकी है, इंटर कॉलेज की निकल चुकी है, लेकिन अभी शिशु मंदिर की बाकी है। तो हम लोग देख के जाएंगे और आगे जहाँ पे हमारे सारे जो स्मारक मतलब वो मूर्तियाँ हैं हमारे सारे महापुरुषों की, तो फिर वहाँ पर अभी फूल वूल चढ़ रहा है, माला वगैरह चढ़ती है, तो वहाँ पर बच्चे पहुँच चुके हैं। तो ये देखो ये रहा अभी बाजार का माहौल, तो सारी शक्ति मंडी का सर तो दूध दिया ना हो गया। हेलो मेरे आप कोई ना फोन है हम लोग आने के पूरा दूध रहा आप अच्छा कौन करेंगे वहां पे शिव मंदिर का गाना ना ही मजा आ रहा है। अबे ताली तो बजवा। वाह गाल में तिरंगा, देख गाल में तिरंगा, तिरंगा जैसे तो गाइस अभी जो है इंटर कॉलेज और कन्या जूनियर की प्रभात फेरी निकल चुकी है और मतलब उनको देख के अपने दिन याद आ गए मस्त से, मतलब पीछे से लोग बच्चे ऐसे छुप छुप के जा रहे, जो लेट हो गया था वो पीछे जाके लाइन में लग जा रहा है और झंडे देख के तो याद आ रही है कि भयंकर हम लोग अपने टाइम पे कैसे हाथ से बनाए हुए झंडे लेके जाते थे। वहाँ देखो बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर जा रहे हैं, वहाँ पर धनु प्लानिंग कर रहा है कि कहाँ जानी है, कहाँ नहीं जानी है आज हमने प्रोग्राम देखने के लिए। तो ये देखो स्कूल के बच्चे अभी भी तैयार होके जा रहे हैं। तो भयंकर कत दिन हो गए तुमगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये हमारे डॉक्टर साहब, तुम्हें कतो दिन में फोन करिया भयंकर तुम आने लगे पक्का आज ने भो अब आते 15 अगस्त तो उन्होंने चलो ठीक बच्चों को ले आकाश और जमीन हर मोहे
आप करवा दो भैया। बहुत बधाई जीतन बेटा। हमें तो मुंह खाओ करानी पूछे से प्रभात फेरी वापस आने को हुई है, मतलब जहाँ पे वो मूर्तियाँ थी वहाँ पे मतलब फूल वगैरह जो चढ़ते हैं वो सारे चढ़ा के अब यहाँ से शिशु मंदिर वाले जाएंगे अपने रास्ते को और हम लोग जाएंगे अपने रास्ते को। फिर थोड़ी देर में हम सब प्लान बना रहे हैं कि हम सब जो है स्कूल में प्रोग्राम देखने जाएंगे। मंकू अरे तू है मंकू तो गाइस अभी हम लोग जाने लगे हैं वापस घर को। आई होप कि आपको हमारे यहाँ पे जो प्रभात फेरी हुई थी स्कूल में जो ये स्कूल की रैलियाँ निकली थी वो आपको पसंद आई होंगी। और कैसा रहा है तुम लोग का बताओ? बहुत ही अच्छा, मतलब कराई भी अंदर से अपने दिन याद आए नहीं वो बताओ तुम लोग अपने दिन यार हमारे हमारे दिनों में और आज के दिनों में लगभग मेरे को लगता है फर्क आ गया है। हम लोग को वहाँ पे जाके सबसे पहली चीज तो ये याद आई कि जो आप यहाँ पे जो झंडे लगने लग गए ना मतलब चलते हैं वो प्लास्टिक वाले झंडे छोटे वाले चलते हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था जो भी चल रहे हैं पहले हम अपने आर्ट की कॉपी के पन्ने में और अपने फुलम के पेड़ का डंडे से लटका के बिल्कुल अपने घर से बना के लाते थे। और वो डंडे बहुत मार खाते थे वो डंडा 15 अगस्त के बाद हम ही को कूटने के काम आते थे वहाँ। तो यहाँ पे जो है हमारी बहुत सारी मेमोरी भी गाते थे एक सुर में मतलब बहुत अच्छी आवाज। और आज यहाँ पे जो शिशु मंदिर वालों का स्पेशली जो प्रोग्राम थे मतलब यहाँ पे जो प्रभात फेरी वाला फंक्शन था वो मतलब बहुत सही था। और आप आपकी प्रभात फेरी मेरे को पहले से ज्यादा अच्छी लगती है। आप बहुत मंदिर वालों का शिशु मंदिर वालों का अच्छा लगता है। हाँ क्योंकि आप सारे बच्चों को करेक्टर बना के लेके आए थे। वहाँ पे भी गांधी जी बने थे, भगत सिंह तो पूरे टाइम अपनी मतलब मूछों में ताव दे रहा था वहाँ पे। तो मतलब ऑल ओवर जो था बहुत अच्छा था।
तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे यहाँ के बच्चों का जो जोश है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल पे नए हैं जो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जाके भारत माता की जय लिखना मत भूलना। तो फिर चलो मिलते हैं आप सबसे फिर, तो फिर नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। हम स्कूल जा रहे हैं, इन्विटेशन तो हम ले आ गए, सर कहते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होने जा रहे हैं। तो फिर अब पहले सोने का मन नहीं था, अब ये लोग कह रहे हैं कि चलते हैं, अब तो मन कर रहा है जाने का, तो फिर चलेंगे तो फिर चलेंगे वहाँ स्कूल में और जो है मजे लेंगे फंक्शंस के, मतलब इंजॉय करेंगे सारे। चलो आप मिलते हैं आप सबसे फिर एक नई वीडियो के साथ में कल, तब तक के लिए बाय। चलो चलो सब बाय बाय, हैप्पी भारत माता की जय। तक भारत माता की जय।